पहले कहते ना बहुजन समाज पार्टी में जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, फिर नारा बदला था, फिर हुआ कहीं जितनी जिसकी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, फिर बाद में अब वर्तमान में चल जाएगा जिसकी जितनी खेली भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आप जाओ निगम पार्षद का चुनाव लड़ो तो उनकी घरवाली उनके बच्चे भी शायद उनको वोट ना दें, और लेकिन वो मुस्लिम समाज से आते हैं। पिछली बार बीजेपी के साथ में 100 सीटों पर वो 200-250-300 करोड़ रुपए में समझौता करते हुए उनका वीडियो भी वायरल हुआ था, तो ना तो पार्टी ने कार्रवाई उनके ऊपर की, ना उस वीडियो पर कोई सफाई आज तक पार्टी ने दी। और उस आदमी वो आदमी दलितों की वोट का बैठ करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में सौदा कर रहा है, या किसको टिकट मिलना है किसको टिकट नहीं मिलना है वो आदमी तय कर रहा है, जिसकी खुद की वोट, जिसके खुद के समाज की वोट बहुजन समाज की पार्टी को मिलेगी या नहीं मिलेगी ये पक्का पता नहीं। तो अब आप सोच सकते हैं कि बसपा की बर्बादी का कारण क्या है। दूसरा, अभी उपचुनाव हुआ है, गाजियाबाद की सदर सीट पर उपचुनाव था, और जब सदर सीट पर उपचुनाव हुआ तो बहुजन समाज पार्टी ने वहाँ पर रवि गौतम जो हमारे साथी हैं आंदोलन के साथी हैं युवा शक्ति दल के अध्यक्ष भी, उनको बुला करके बहन जी के साथ फोटो खिंचवा और कहा कि आप जाकर के चुनाव की तैयारी करो। रवि गौतम ने आकर के 10-15-20 लाख रुपए क्षेत्र में खर्च किया, यहाँ चुनाव लड़ा जाता है पैसा खर्च होता है, और जब उसने बंजर भूमि को उपजाऊ बना दिया रवि गौतम ने, तो रवि गौतम का टिकट काट करके वहाँ गर्ग साहब को दे दिया गया, लाला जी को दे दिया गया, वोट 10,000 मिले उनको भी, रवि गौतम AIM से लड़ गए तो उनको 6,500 मिले। तो अब आप समझिए कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, पैसा इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि आजकल बहुजन समाज पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है या जो उनके आसपास के बहन जी के आसपास के लोग हैं वो रिजल्ट नहीं देख रहे हैं। क्या रिजल्ट कौन लाएगा, वो देख क्या रहे हैं, वो देख रहे हैं कि पहले कहते ना बहुजन समाज पार्टी में जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, फिर नारा बदला था, फिर हुआ कहीं जितनी जिसकी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, फिर बाद में अब वर्तमान में चल जाएगा जिसकी जितनी खेली भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ये क्या है कि बहुजन समाज पार्टी समय समय पर नारा बदलती रही है, काशीराम ने जनसंख्या के आधार पर कहा। अरे आप भी सर बसपा के मंच पे गए हैं, आप बुराई कर रहे हो BSP की। अगर लोगों को आलोचना करना बुराई लगती हो तो फिर उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, इसका इलाज 2022 में थे ना बसपा में। मैं सुनिए ना, मैं बसपा का मीडिया कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, मैं बहन जी के साथ मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात 2-3 बार हुई है। एकदम खराबी कैसे आ गई BSP में आपके लिए? अब आप सुनने वो तब तो मैं कुछ बताऊंगा। बहुजन समाज पार्टी में खराबी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के आज बहुजन समाज पार्टी में जो नेता हैं उनमें खराबी है, उनके चाल और चरित्र में खराबी है, उनके जो पैसे की हवस बढ़ गई उसमें खराबी है। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप ही बताएं। चलो आप कह रहे हैं कि बसपा में मैं कौन बसपा का विरोधी हूँ, अगर मेरे अंदर कोई कमी है और वो मेरा कोई साथी मुझे बताया तो मैं उसको गाली थोड़ी दूंगा। लेकिन आपको गाली पड़ती है बसपाइयों की तरफ से। अब बेचारे मंदबुद्धि लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, मैं क्या कहूँ उनको, उनको समझ नहीं है, राजनीतिक समझ नहीं है, उनको राजनीतिक समझ नहीं है। वो कौन सा दोहा है कि बिन पानी बिन साबुन पानी ओ निंदक नियर है राखियो आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, कबीर जी का, कबीर साहब का दोहा है। तो अपने जो निंदक हैं उनको हमें आंगन कुटी छवाए, कबीर साहब कह रहे हैं कभी कुटियामन को रखना चाहिए, वो समय समय पर हमारी कमियां जो है वो बताते रहते हैं ताकि हम अपने आप में सुधार कर लें। मतलब आप आलोचक हैं BSP की? मैं बसपा की कमियां बताता हूं कि आप यहां कमी कर रहे हैं, आप यहां कमी कर रहे हैं। और कांग्रेस की बात करते हैं आप, कांग्रेस की अच्छाई बताता हूं, BJP की बुराइयां बताता हूं, कांग्रेस की अच्छाई बता दूं जो कांग्रेस ने अच्छा किया है। घोषित आप BSP वो कांग्रेस के कार्य प्रवक्ता हैं, आप ऐसा कहते हैं लोग आप? नहीं, लोग तो ये भी कहते हैं कि मुझे BJP ने बहुत सारा धन दे रखा है और नहीं कांग्रेस ने, नहीं BJP का भी कहते हैं। अभी पीछे एक किताब का विमोचन हुआ था तो हमारे साथी हैं मनोज तिवारी सांसद हैं, वो हमारे हमारे इसका नाम है 20 साल पुराने मित्र भी हैं, जब राजनीति में थे से पहले सपा में थे, उस समय संस्कृति में भी नहीं थे तब भी मित्र थे, उन्होंने हमारे साथ कई प्रोग्राम भी किए गाने बजाने के। तो उसमें क्या नाम है, मनोज तिवारी जी का फोन आया कैसे किताब का विमोचन है आप आइए। हम गए हैं जब बाबा साहब पर किताब थी उसका विमोचन हुआ, अगले दिन फोटो ही तो इस पूरे चमरियाने में साफ शोर मच गया, पूरा जो दलित समाज है वो लट लेकर ढूंढ रहा था मुझे, राहुल नागपाल बिक गया BJP के सांसद के साथ में फोटो खिंचवा रहा, राहुल नागपाल ने BJP ज्वाइन कर ली। मैंने फिर अगले दिन कहा, मैं मायावती जो वहाँ 2002 में गुजरात में जाकर मोदी जी के लिए वोट मांग रही थी वो क्या करनी थी वहाँ? मैं सिर्फ किताब के विमोचन पर गया, किताब पर बोलने के लिए। मैंने वहाँ कोई पैसा नहीं लिया, कोई MPA का टिकट नहीं मांगा, कुछ नहीं करा, लेकिन मुझे गालियाँ पड़ रही हैं और बहन जी जाकर के गुजरात में जाकर के मोदी जी के लिए वोट मांग रही हैं और वो वहाँ पर वोट मांगने के बाद में सरकार बनवा रही हैं, तो बहन जी से भी जरा ये भी सवाल बनता है कि तुमने क्या लिया? चलो मुझे ये बता दो गुजरात के दलितों के लिए क्या लिया तुमने अपने लिए, गुजरात के दलितों के लिए कुछ एक्स्ट्रा फंड की व्यवस्था करवाई, उनके लिए अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था करा क्या तुमने? ठीक है नागपाल जी, बड़ा सवाल यह है कि BSP 2012 के बाद से लगातार चुनाव हार रही है, इसकी मुख्य वजह क्या क्या है, बिंदु बता दीजिए 4-5 केवल। देखिए 2012 के बाद ही 2009 के बाद
साथ में पूर्ण बहुमत नौ मैं तो किसी टाइप उत्तर प्रदेश में बता रहा हूँ लोकसभा की सुन लीजिए ना 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार हुई 2009 में लोकसभा का चुनाव हुआ लोकसभा के चुनाव में 2006 विधानसभा कौन सा कम से कम 50 दिन लोकसभा बसपा को जीतनी चाहिए थी नहीं जीती 21 जीती 21 में भी 20 एक मध्य प्रदेश से जीत करके आई थी रीवा उसके बाद में आप 12 हारे फिर 14 लोकसभा हारे फिर 17 हारे फिर 19 हारे फिर 22 हारे फिर 24 हारे उपचुनाव हारे अब आप ये लगाओ कि आप 9, 12, 14, 17, 19, 22, 24 सात चुनाव लगातार आप हार गए और आज आप जीरो पे खड़े हो उसके बाद में आप कह रहे हो कि हम कमी कहाँ करें अरे बालक एक बार दसवीं में फेल हो जाए माँ बाप कान चटिया देता उसका चलो ट्यूशन के पैसे बेकार कर दिए भूल भूल अगली बार देखो कैसी तैयारी करता हम एक चुनाव हार के तैयारी नहीं करें दो चुनाव हार के तैयारी नहीं करें तीन सात सात चुनाव बहुजन समाज पार्टी क्या नाम है हार रही है और अंधवा करें कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी अगला नेक्स्ट पीएम बहन जी अरे भाई बता तो दो नेक्स्ट पीएम बनने के लिए तुम किसी समझौता भी करोगे तो तुम्हारे पास 50, 60, 70, 80 सांसद कुछ तो होने चाहिए एक तो सांसद नहीं हमारे पास में है? और एक क्या नाम है वो नहीं अच्छा हमारे पास प्रवक्ता हमें देखिए बसपा में पता ही है बढ़िया बोलने वाले पसंद नहीं कभी बसपा के पास नहीं प्रवक्ता बसपा के पास नहीं पत्रकार बसपा के पास नहीं और अच्छे बुद्धि इंटेलेक्चुअल वर्ग बसपा बहुजन समाज पार्टी के पास नहीं और तुम सरकार बना अगर भाई देवी तुम्हें सरकार बना भी बन भी गए तो तुम चलाओगे कैसे कहाँ से लाओगे ज्यादातर वोट है बसपा के पास दलित वोट है बसपा के पास पूरे देश में नंबर वन नेता है बहन जी अच्छा तो थोड़ा सा पढ़ लिख लिया करो मीरापुर विधानसभा पे और सिरसा मऊ पे शायद 1094 वोट पड़ा है और दूसरी जगह 1480 वोट पड़ा है मतलब जहाँ बहुजन चलो बहुजन समाज गए भाड़ में दलित भी भाड़ में गए सिर्फ एक ही जाति पर आ जाते हैं जाटव चमार जहाँ 1,00,000 से ज़्यादा है वहाँ पार्टी को वोट पड़ रहा 1,000 या 1500 अगर 50% 60% पोलिंग होता है तो कम से कम 60,000 वोट पड़ना चाहिए गाजियाबाद में उपचुनाव हुआ है 1,10,000 जाटव है प्रत्याशी को 10,000 मिला है कहाँ गया वोट कहाँ गया वोट तो ये कहने का साहब जाटव तो मायावती के पीछे अंधा जाए कोई अंधा नहीं है सब समझदार हैं देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि बहन जी पूरे दलित समाज की बहन जी हो सकती हैं लेकिन बहन जी के जो भैया और भतीजे वो आकाश और आनंद ही हैं इसको समझना पड़ेगा वोट बैंक कहाँ गया बीएसपी का बहन जी का कहाँ कांग्रेस पे गया बीजेपी पे गया या चंद्रशेखर पे गया है देखिए अगर उपचुनाव की अगर आप बात करेंगे तो उपचुनाव में जो बसपा को वोट मिला है वो मिला लगभग 1,32,700 कुछ चंद्रशेखर को मिला 67,800 कुछ दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दोनों का वोट 7 सीटों पर बनता 2,00,000 शेड्यूल कास्ट की संख्या कितनी लगा लो इसका मतलब दोनों का भी अगर वोट जोड़ दिया जाए तो चंद्रशेखर और मायावती दोनों को शेड्यूल कास्ट का वोट नहीं मिला इसके दो कारण है या तो शेड्यूल कास्ट का आदमी जो वो वोट डालने के लिए निकाल नहीं रहा वो हताश हो चुका है डरा नहीं है हताश हो गया लेकिन कुछ होना नहीं है मायावती अपनी अलग कर रही है चंद्रशेखर अलग कर रहा है जीतनी तो बीजेपी दिमाग में लाइन सेट हो गया पहली दूसरी ये बात है कि उसने सोच लिया कि तुम सब भाड़ में जाओ हम तो उसको देंगे जो बीजेपी घर आएगा वो मुसलमान वाली कंडीशन में आ जाए तो अब सोचने वाली बात यह है कि जो दलित समाज का वोट मायावती से बसपा से या अन्य किसी से छटक करके कहीं अन्य गया है क्या बसपा उसको लाने के लिए क्या कर रही है वापस मायावती जी के पास में कोई ऐसी प्लानिंग है कि वो उस वोट को वापस कैसे लाएंगी बहुजन समाज की बात हो रही थी मैं तो चलो बहुजन समाज छोड़ो ना चमार समाज भी आ जाओ चमार समाज जो मायावती को छोड़ करके चला गया वो वापस कैसे आएगा कोई प्लानिंग है बसपा के पास में कोई 2-4-5 लोग ऐसे हैं बैठ कर के अकलबंद क्या नाम है जो ये बता सके कि ये प्लानिंग है साहब बसपा में अनपढ़ और कुपड़ लोगों की फौज इकट्ठी हो गई है मिशन चल रहा है ये जो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ बसपा में अनपढ़ और कुपड़ लोगों की फौज इकट्ठी होगी अनपढ़ तो वो है जो बेचारे पढ़े नहीं मदरसा नेता बनाने का सुन भी लो पत्रकार बंधु हाँ। अनपढ़ तो वो जो ना पढ़ा नहीं और कुपड़ वो जो ना गलत पढ़ रखा है सुनी सुनाई बात दोहराने का नहीं साहब ये हो गया वो हो गया रेफरेंस किसी के पास कुछ नहीं है अब आपने कहा कि बसपा जो है वो मिशन चलाने की क्या क्या फैक्ट्री है नेता बनाने की फैक्ट्री तो मुझे बताओ कांशीराम साहब के समय के बाद में कांशीराम ने जो नेता बना दिए उसके बाद में बसपा ने कितने नेता बनाए चार के नाम बताओ ना भाई मुझे ये बता दें कि बहन जी ने फला आदमी को नेता बनाया एक आदमी को नेता बनाने की पिछले 10 साल तक तैयारी करी आकाश आनंद को अब वो कितना बन पाया कितना नहीं बन पाया कभी अंदर कभी बाहर कभी वो क्या नाम है थोड़ा सा अकलबंद कम है फिर बीजेपी में डिप्टी सीएम बन गए हैं बीएसपी के नेता वो कांशीराम के नेता बहन जी के नहीं है
अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही है पार्टी की। अब है ना, पहले से जो जिनको मायावती को, जिस आदमी ने मायावती को नेता बनाया और मायावती के समकालीन कम से कम 200 लोगों को नेता बनाया सीएसटी ओबीसी में, चाहे वो सोनेलाल पटेल थे, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर है, चाहे बाबू सिंह है, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी है, काशी राम ने रोड पैसे पंचर लगा रहा, राजनीति कर चला मेरे साथ, अच्छा क्या चाय मेरे साथ चल मेरे साथ, तू क्या कर रहा है ठेकेदार चल मेरे साथ, वो उन आदमी को उठा करके लिया जिसके अंदर हल्की सी क्वालिटी थी। और मैं तो कह रहा हूँ मैं 50-30 साल पहले पैदा हुआ था ना और काशीराम के संपर्क में होता, इस जो दौर मेरा भाई 30 साल पहले होता तो मैं कम से कम मिनिस्टर होता, काशीराम की नज़र मेरे पड़ गई होती, कई लड़का काम कैसे लेकर के आओ, ठीक है, वह काम के लोगों की जरूरत थी या दाम के लोगों की जरूरत है। बहन जी सिर्फ ट्वीट करती है कोठी में बैठकर, क्या इससे कभी हुक्मरान बनेंगे, कभी सीएम पीएम बनेंगे, ये बात बहन जी से पूछो ना। मैं तो नहीं, क्या लगता है आपको? नहीं मुझे तो नहीं, मुझे तो भैया रोड पतनना पड़ेगा, मुझे लग रहा है बन जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करते थे कोविड में, बहन जी अभी वर्क फ्रॉम होम ही कर रही है, कभी किसी के दुख दर्द में नहीं जाते, पीड़ितों से नहीं मिलती है, ऐसा भी आरोप लगता है। तुम सवाल कर रहे हो या दर्द बता रहे हो? अरे आप भी कुछ बताइए ना, समाज के तो लोग आप भी। तो मैं तो बता रही हूँ जो कह रहे हो दर्द है, यही दर्द मेरा भी है, जो बात मैं तुम्हारी बात का समर्थन करता हूँ और बताओ। लेकिन वो कहते हैं कि सड़क पर उतरेंगे ना हमारे समाज के लोग, उनके मुकदमे दर्ज हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में। कांशीराम साहब 1980 और 85 और 90 के दशक में आंदोलन करते थे, डॉक्टर अम्बेडकर अपने समय पर आंदोलन करते थे, जगजीवन राम अपने समय पर आंदोलन करते थे, वीपी मौर्य अपने समय पर आंदोलन करते थे, संघ प्रिया गौतम अपने समय पर आंदोलन करते थे। दलित राजनीति टिकी ही आंदोलन पे है और सड़क पर, अगर दलित नेता सड़क पर खड़े होकर के आंदोलन नहीं करेगा तो वो नेता नहीं है। चंद्रशेखर अगर 1-2%, 5%, 10% वो स्थापित हो पाए, अपनी जगह बना पाए, तो वे सिर्फ आंदोलन के जरिए बना पाए, और कोई कारण नहीं। कितने दिन चलेंगे चंद्रशेखर राजनीति में, ये भविष्य बताएगा, लेकिन अभी तो चल रहे, अभी तो कभी सीएम की कुर्सी पर जाएंगे नहीं। मैं तो चाहता हूँ प्रधानमंत्री बने, मेरे चाहने से अगर कुछ हो जाए वो तो, वो भी चाहते कि बहन जी पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, वो लोग भी चाह रहे। अरे यार मैं कह रहा हूँ चंद्रशेखर कम से कम खुद एमपी तो है, बसपा के पास तो एक भी एमपी नहीं है, जिन लोगों के पास में 0 MP है जब वो कह सकते हैं नेक्स्ट पीएम बहन जी, तो चंद्रशेखर की पार्टी का तो एमपी, तो चंद्रशेखर क्यों नहीं बन सकता? अगर संख्या वाले ना, बहन जी के पास में कोई सांसद नहीं है, वो कह रहे हैं नेक्स्ट पीएम बहन जी, तो चंद्रशेखर की पार्टी के पास में एक सांसद है, और उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा उपचुनाव हुए, 2 सीटों पर मायावती की पार्टी से ज्यादा वोट चंद्रशेखर को पड़ा है, ये बात समझो, एक जगह 20,000-22,000 पड़ा है, 14,000 पड़ा है, तो चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी जो है वो जो अभी कल परसों बनी है, वो मायावती की पार्टी को 2 जगह चंद्रशेखर ने हरा दिया, तो फिर ये क्यों नहीं हो जाता था चंद्रशेखर जो 36 साल का फ्यूचर क्या है बीएसपी का सर? अब मेरे हिसाब से तो बसपा ढलान पर है, खत्म की ओर है, अगर इन लोगों ने देखिए। अरे मिशन कभी खत्म होता है क्या? मिशन कभी खत्म नहीं होता, पार्टियां खत्म होती हैं, ये जो मिशन है जिसको बसपा पार्टी ने, एक मिशन है महापुरुषों का, वो चलता रहेगा जीवन। मिशन डॉक्टर अम्बेडकर का है, फूले का है, कबीर का है, नानक का है, आयरन लेडी, तभी तो आयरन नहीं होना चाहिए बहन जी, आपने कहा आयरन लेडी नहीं होना चाहिए, आदमी होना चाहिए, उसके दिल होना चाहिए, वो दलितों की दुनिया नंबर वन नेता है। सुनो जवाब भी सुना करो, आपने कहा आयरन लेडी है, आयरन लेडी नहीं होना चाहिए, आयरन मैन भी नहीं होना चाहिए, अगर मैं लोहे का बन जाऊंगा तो फिर मेरा दिल काम करना बंद कर देगा, मैं दुख दर्द रहेगा नहीं मुझे, आदमी को आदमी होना चाहिए, उसके अंदर आदमी जैसी फीलिंग होनी चाहिए। महापुरुषों को जना दिया है देश में प्रदेश में बहन जी ने, जाइए नोएडा से लखनऊ तक किसी भी कोने में महापुरुष नजर आएंगे आपको। और ये जो नरेंद्र मोदी ने ये जो 15 जनपद बना दिया 500 करोड़ में, 26 अलीपुर बना दिया 3,000 करोड़ में, वहाँ बना दिया 5 जनवरी वहाँ पे शिवलिंग गड़े हुए हैं। अरे सुन तो, शिवलिंग की पूजा होती है। अरे सुनो ध्यान से सुनो, इतने उग्र ना आप, करिए शिवलिंग की पूजा, दलप्रेरणा केंद्र में, कहाँ दलप्रेरणा केंद्र? नोएडा में। कहाँ करिए पूजा शिवलिंग की? वहाँ गाड़ी कर दी होगी, करो ना, पता चल जाएगी वहाँ पे, तो जैसे यहाँ कर लेते हैं 26 अलीपुर रोड पर। पर सुनो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसी बात से आकलन होगा कि उन्होंने पार्क बना दिए, उसने ये बना दिए, अरे यूनिवर्सिटी बनाई है, अरे यार सुनते हैं, कॉलेज बनाए हैं, मानो और काशीराम गरीबों को मकान दिए, कितने पैसे दिए? 3 लाख। कितने पैसे दिए बस माने आपको मेरा इंटरव्यू करने के लिए? ये तो आप आरोप लगते हैं ना, आप पहले लगते थे ना, अब बताओ ना, आप भी कौन से बैटिंग करते हो? आप सवाल कम करो, जवाब ज्यादा करो। मेरा कहने का मतलब है कि अगर इन्हीं बातों से आकलन होगा कि ये बना दिया वो बना दिया, तो मोदी जी ने पंचतीर्थ स्थान बना दिए, तो फिर तो मोदी जी को वोट दे देना चाहिए। हमारा सवाल ना तो पार्क का है, ना हमारा सवाल मूर्ति का है, महापुरुषों को जिंदा क्या है बहन जी? महापुरुष कभी मरते नहीं, महापुरुष कभी नहीं मरते, पागलपने का काम है, महापुरुष की जिंदा। बहुजन पिछड़े महापुरुष स्पेशली दलित, जो दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा में, पिछड़े महापुरुष जिंदा करके क्या ले लिया तुमने, बताओ क्या मिल गया? अम्बेडकर पार्क बना दिया, कल्चर आया है दलितों का, महापुरुषों। अरे पिछड़ों में तुमने पिछड़े महापुरुष जिंदा करके, पिछड़े तो तुम पूछ ही, वो तो उनकी गलती है। सुनो ना, समझो, मेरा कहने का मतलब हमारी लड़ाई ना पार्क की है,
ना हमारी लड़ाई इसकी है कि मूर्ति कितनी बड़ी बना दी, हमारी लड़ाई इस बात की है कि दलितों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने 40 साल बसपा को 14 अप्रैल 1984 से लेकर के 14 अप्रैल 2024 तक 40 साल हो गए। 40 साल में बसपा का कोई बड़ा नेता मेरे सवाल का एक मुख्यमंत्री बना करो, मैं जो कह रहा हूँ एक सवाल का जवाब दे दे, बहुजन समाज पार्टी ने कौन सी नेशनल पॉलिसी बनवाई दलितों के लिए? बहुजन समाज पार्टी ने 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दिया तो बदले में क्या लिया दलितों के लिए? बैकलॉग पूरा करवा लेते, निजी क्षेत्र में आरक्षण ले लेते, रिजर्वेशन में प्रमोशन का बिल पास करवा लेते, कुछ तो ले लेते। आपने 10 साल में समर्थन देने के बाद क्या करा? आपने मोदी के लिए जाकर के गुजरात में वोट मांगे तो गुजरात के दलितों के लिए कुछ मांग लेते? तो ये सवाल है जो वाजिब सवाल है। आपने पार्क बनाया उसके लिए साधुवाद, आपने मूर्ति लगाई उसके लिए विशेष साधुवाद, आपके भाई भैया भतीजे